वो बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उसका नाम था पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का स्नेह मिला जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पुरातत्व के विरागी कुशल थे। कंदराओं में से जहाँ शैल चित्र बहुत पुराने पुराने बने थे, 5,000-10,000 पहले, ऐसे भीम बेटका को खोजा, प्रसिद्धि हो गई उनकी और वो चले गए इंग्लैंड। उनका स्वभाव था, खोजी थे। एक जगह पर उन्होंने देखा संग्रहालय में सरस्वती धार की सरस्वती की मूर्ति, फूल चढ़ाया, माँ का स्तुति गान किया। दूर बैठा क्यूरेटर ने कहा, सर स्टैचू के सामने फूल चढ़ाते? वेदना उनके पास थी, उन्होंने कहा कि इसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई और कब से इसने अपना स्तुति गान नहीं सुना। जिस भाव से उन्होंने किया, कहा होगा कि वो तो आश्चर्यचकित था। उसने कहा, सर आपके लायक यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ले गए एक ऐसे अलमारी के पास, यहाँ के कलेक्टर जितने आते थे अंग्रेज, यहाँ से इस बढ़िया सुंदर चीज़ों को ले जाते, डायरियाँ लिखवाते थे लोगों से, उसको भी जमा करते। उसी से उनको मिल गई वास्को डी गामा की डायरी। उस डायरी में एक चीज़ मिल गई जिसके कारण हम विश्व में हम पहुंच गए। कारण था, वास्को डी गामा में चला था भारत की खोज करने, लेकिन अफ्रीका के दक्षिणी खोज पर आया तो वहाँ उसने एक बड़ा भारी जहाज देखा। वह जहाज तो भारत का जब सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। और उसने जब उस वहाँ का जो उसके साथ लगा हुआ चंदन था, जिसका नाम जहाज का मालिक, उसको जब कहा कि मैं भारत की खोज में निकला हूँ, तो हंसा और उसने कहा, मेरे जहाज के पीछे चले आओ। हजारों वर्षों से तो हम यहाँ आते हैं, मसाले लेके आते हैं केरल से, कोचिन के राज से। देश की महिमा को जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का बात हमको बताया गया कि भारत की खोज किसने किया, तो यही कहा जाता था वास्को डी गामा। मैंने पढ़ा भी है वो। लेकिन वास्को इस व्यक्ति ने तो इतना बड़ा सिद्ध किया कि वो चंदन के जहाज के पीछे पीछे चला आया वास्को डी गामा। हमारी परंपरा है, अतिथि का स्वागत करते हैं, स्वागत हो गया महाराज को। कोचिन महाराज ने उनका स्वागत किया और आ गए हमारे देश के अंदर पुर्तगाली। इस व्यक्ति ने उस स्थान पर जब इस प्रकार की चीज़ खोजी और देश के सामने विषय निकाला कि हमारे देश में कैसे कैसे इस प्रकार के विचार लेकर आने वाले लोग थे, हमको दिग्भ्रमित करते थे। इतने ही नहीं, अमेरिका की खोज में उसने जाकर एक ऐसे स्थान को देखा जिसका नाम है क्यूबा, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच में गांव से 250 सीढ़ियों के ऊपर चंद्र मंदिर, 350 सीढ़ियों के ऊपर सूर्य मंदिर, और उस पर जो लिखा हुआ बड़ा भारी पट था उसके ऊपर उन्होंने पढ़ा उसको। और जब उसको देखा उन्होंने कि ये तो ये हमारी पाली भाषा में लिखा हुआ है, ईसा से 300 वर्ष पूर्व भारत वहाँ पहुँच गया था। हमको बताया अमेरिका की खोज किसने किया, तो वो तो नाम बता दिया जाता है कोलंबस। उस व्यक्ति ने उस स्थान पर इस वाक्य को पढ़ते हुए सिद्ध कर दिया कि हम तो हजारों वर्षों से अमेरिका में भी आए, हम तो कभी पाताल लोग की भी बात किया। उस व्यक्ति ने 400 कंदराओं को अमेरिका में खोजा, गुफाओं को खोजा, प्रसिद्ध हो गया। ऐसे व्यक्ति का हमें स्नेह मिला। अब तो काम को विश्व के मंच पर हमें ले जाना है, तो हाँ वहाँ जो जो इस प्रकार की गुफाओं को उन्होंने खोजा, आए अमेरिका में खोजा होगा, चाहे फ्री गांव में खोजा, उन स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन की जन्मशती हम मनाने के लिए अग्रसर हैं। अगले साल 4 मई को उनका जन्म आएगा जन्मदिन, तब से लेकर साल भर में हम सारे देश में ऐसी पुरातत्व के लोगों को खोज कर काम करने के लिए अग्रसर खड़े हैं।